सीधे अभी गंभीर है, यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, इस लीकेज को अभी तुरंत यदि बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया जाएगा तो बहुत सारे नुकसान, हजारों लोगों का नुकसान होगा, उसके बाद जानमाल का, पशु जो भी है, नुकसान इतना होगा कि सरकार को भरपाई करने की दिक्कत जाएगी। इसलिए अभी यदि चाहे तो यहाँ पर मैंने बोला कि प्लेट लगा करके सामने से प्लेट लगाया जाए और उसके बाद इसमें पत्थर और जो भी मिट्टी डाला जाए तो जल्दी काम हो सकता है। आए हैं यहाँ पर इंजीनियर्स तो नहीं आया है? हाँ इंजीनियर ही आया है, इंजीनियर आया तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं करके, तो जितना जल्दी हो सके काम कीजिए, नहीं तो टूट जाने के बाद तो सोचने खड़ा रहने से क्या रहेगा। बोला अरे जेसीबी आ रहा है, कम से कम मैं एक घंटा तो हो चुका है, अभी कहाँ से जेसीबी आ रहा है, क्या आ रहा है तो मुझे पता भी नहीं है। मुझे सुबह खबर मिला है कि जो हमारे गाँव का जो सिंचाई बांध है उसमें दरार पड़ा हुआ है और ये पिछले 3 सालों से है। इसकी जानकारी हम इरिगेशन विभाग को, साथ में जनदर्शन में भी इसका आवेदन दिए थे हमने और वहाँ से रिप्लाई आया था कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा। पिछले साल बारिश कम होने की वजह से पानी उतना भरा नहीं था और वो मिट्टी डाल के उसको फिर बंद कर दिया गया, पर इस बार फिर बारिश के पहले फिर मिट्टी डाल के उसी दरार को भर दिया गया, पर इस बार बारिश ज़्यादा होने के कारण डैम लबालब भरा हुआ है, जिसके कारण पानी का लोड भी बढ़ा हुआ है और आज सुबह 4 बजे से ये लीकेज हो गया है और भविष्य में ये बांध टूटने की भी आशंका है। अगर बांध टूट गया तो 133 गांव के साथ साथ उसके निचले क्षेत्र में जितने सारे गांव हैं वो पूरे संकटग्रस्त हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और इसकी भरपाई कभी शासन प्रशासन नहीं कर पाएगी। मैं शासन से अभी भी आग्रह कर रहा हूं कि जो लीकेज अभी बना हुआ है तुरंत अगर कार्यवाही किया जाए तो ये रुक जाएगा। धन्यवाद। स्थिति अभी गंभीर है, यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, इस लीकेज को अभी तुरंत यदि बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया जाएगा तो बहुत सारे नुकसान, हजारों लोगों का नुकसान होगा, उसके बाद जानमाल का, पशु जो भी है, नुकसान इतना होगा कि सरकार को भरपाई करने की दिक्कत जाएगी। इसलिए अभी यदि चाहे तो यहाँ पर मैंने बोला कि प्लेट लगा करके सामने से प्लेट लगाया जाए और उसके बाद इसमें पत्थर और जो भी मिट्टी डाला जाए तो जल्दी काम हो सकता है। आए हैं यहाँ पर इंजीनियर्स तो नहीं आया है? हाँ इंजीनियर ही आया है, इंजीनियर आया तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं करके, तो जितना जल्दी हो सके काम कीजिए, नहीं तो टूट जाने के बाद तो सोचने खड़ा रहने से क्या रहेगा। बोला अरे जेसीबी आ रहा है, कम से कम मैं एक घंटा तो हो चुका है, अभी कहाँ से जेसीबी आ रहा है, क्या आ रहा है तो मुझे पता भी नहीं है। मुझे सुबह खबर मिला है कि जो हमारे गाँव का जो सिंचाई बांध है उसमें दरार पड़ा हुआ है और ये पिछले 3 सालों से है। इसकी जानकारी हम इरिगेशन विभाग को, साथ में जनदर्शन में भी इसका आवेदन दिए थे हमने और वहाँ से रिप्लाई आया था कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा। पिछले साल बारिश कम होने की वजह से पानी उतना भरा नहीं था और वो मिट्टी डाल के उसको फिर बंद कर दिया गया, पर इस बार फिर बारिश के पहले फिर मिट्टी डाल के उसी दरार को भर दिया गया, पर इस बार बारिश ज़्यादा होने के कारण डैम लबालब भरा हुआ है, जिसके कारण पानी का लोड भी बढ़ा हुआ है और आज सुबह 4 बजे से ये लीकेज हो गया है और भविष्य में ये बांध टूटने की भी आशंका है। अगर बांध टूट गया तो 133 गांव के साथ साथ उसके निचले क्षेत्र में जितने सारे गांव हैं वो पूरे संकटग्रस्त हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और इसकी भरपाई कभी शासन प्रशासन नहीं कर पाएगी। मैं शासन से अभी भी आग्रह कर रहा हूं कि जो लीकेज अभी बना हुआ है तुरंत अगर कार्यवाही किया जाए तो ये रुक जाएगा। धन्यवाद।